सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सिंह राशि और सिंह लग्न का राशिफल फरवरी माह के लिए कैसा रहेगा। तो सिंह राशि और सिंह लग्न वालों के लिए फरवरी माह का आने वाला जो महीना है वो कैसा रहने वाला है, आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। सिंह राशि के स्वामी जो है खुद सूर्य ग्रह हैं, जो कि घरों के राजा हैं। सिंह राशि के लिए जो है सूर्य शनि के साथ और बुध के साथ मकर राशि में संचार करेंगे और 14 फरवरी को जो है मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो इस समय जो है आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा, आपके स्वास्थ्य में गिरावट आएगी, स्वास्थ्य इस दौरान आपका खराब रहेगा। हालांकि 14 तारीख के बाद थोड़ा स्वास्थ्य में आपके सुधार आएगा, लेकिन उससे पहले आपका जो है शरीर रोग से ग्रस्त रहेगा और शरीर में कुछ ना कुछ पीड़ा आपके लगी रहेगी। हालांकि सूर्य के साथ जो है शनि और बुध भी रहेंगे और चंद्रमा पहली तारीख के, तो ये समय आपके लिए कुछ अनुकूल नहीं रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो इस समय आपको स्वास्थ्य जो है बिगड़ा हुआ रहेगा। और इस समय जो है शत्रु भी आपको कुछ तंग कर सकते हैं, शत्रु द्वारा भी आपको कुछ पीड़ा आपको हो सकती है, कोई गुप्त शत्रु आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। इस समय जो है आपको कर्ज लेने की स्थिति आ सकती है, तो कर्ज लेने से जो है आपको बचना होगा। गुरु बृहस्पति आपकी जो है कुंभ राशि में संचार करेंगे और मकर राशि में शनि रहेगी, तो इस समय जो है आपके जीवन साथी से कुछ दिक्कत हो सकती है, दाम्पत्य जीवन में जो है कुछ अनबन रहेगी, तो जीवन साथी के साथ आपका संबंध जो है मधुर नहीं रहेगा। और व्यापार में यदि साझेदारी आप कर रहे हैं, व्यापार में साझेदारी इस समय खराब रहेगी, तो आपके द्वारा की गई साझेदारी में कुछ दिक्कत आएगी, आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। यदि व्यापार को लेकर आप कहीं बाहर विदेश में जाने की सोच रहे हैं तो ये समय भी आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगा, क्योंकि फरवरी माह में आपके लिए बाहर की यात्रा का समय अभी ठीक नहीं है, जिसमें आपको अधिक हानि हो सकती है और लाभ कम ही होगा। कैरियर की बात की जाए तो इस समय आपका कैरियर बहुत ही प्रबल रहेगा। राहु आपके वृषभ राशि में संचार कर रहा है, तो राहु के वृषभ राशि में संचार करने से जो है आपका कैरियर अच्छा रहेगा, मगर पिता के साथ कुछ अनबन रहेगी। इस समय आपके द्वारा किया गया व्यापार आपको काफ़ी लाभ देगा, ये समय आपके लिए व्यापार के लिए काफ़ी अच्छा भी रहेगा। नौकरी में भी आपके प्रमोशन के चांस बन रहे हैं, कहीं नौकरी के लिए यदि आप अप्लाई कर रहे हैं या जगह बदलने की सोच रहे हैं तो ये समय जो है आपकी जॉब चेंज करने का बहुत अच्छा समय है। इस समय जो है आपके भाग्य का भी पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा, क्योंकि इस समय भाग्य आपको काफ़ी प्रबल रहेगा, आपके भाग्य उन्नति का समय काफ़ी मजबूत है। इस समय जो है आप धार्मिक कार्य करते रहेंगे, कोई धार्मिक कार्य आप घर में करवा सकते हैं, धर्म से जुड़े हुए कार्यों में आपका मन रहेगा और लाभ के आपको जो है नए नए अवसर प्राप्त हो गए। मंगल और शुक्र एक साथ धनुराशि में संचार कर रहे हैं, तो मंगल शुक्र का एक साथ इस राशि में संचार जो है आपके लाभ के जो नए नए स्रोत खुलते रहेंगे, आय के नए नए अवसर आपको मिलेंगे। इस समय जो है धन संचय में भी आपको आसानी होगी, अपने बड़ों से भी आपको लाभ होगा, आपके जो बड़े हैं आपसे वो आपको किसी न किसी क्षेत्र में आपको सपोर्ट कर सकते हैं। और यदि आपके शिक्षा क्षेत्र की बात की जाए तो शिक्षा से जुड़ा हुआ क्षेत्र आपका काफ़ी मजबूत रहेगा, इस समय आपका कैरियर भी काफ़ी अच्छा रहेगा। यदि कहीं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो ये समय सिंह राशि वालों के लिए बहुत उचित है। केतु आपके जो है वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं, केतु का वृश्चिक राशि में एक गोचर आपके लिए कुछ नुकसानदेह हो सकता है, माता से आपके संबंध खराब रहे और संपत्ति में कुछ नुकसान आपको हो सकता है। इस समय यदि आप कोई नया वाहन, दुकान, मकान आदि खरीदने की सोच रहे हैं तो भी इसका मन से विचार त्याग दें, क्योंकि ये समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। इस समय इन्वेस्ट किया गया पैसा आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो इस समय यदि आप कोई वाहन, मकान आदि खरीदने की बात सोचते हैं तो उसे अभी फरवरी का माह टाल दें, क्योंकि आपकी जो शुरुआत हो रही है कुंडली की वो काल सर्प योग में हो रही है,
तो काल सर्प योग में होने के कारण कुछ ना कुछ आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आपको जो है सफलता पाने के लिए भाग दौड़ अधिक करनी होगी, मगर ये भाग दौड़ जो है आपके काफ़ी काम आएगी, क्योंकि ये सफलता के लिए काफ़ी सही रहेगी। यदि आप कहीं जा रहे हैं तो इस समय आपके द्वारा किया गया कार्य आपकी सफलता का सूचक है, मगर इस दौरान जो है आपका खर्चा बहुत अधिक रहेगा, तो खर्चों पर थोड़ा सा आपको अंकुश रखना होगा। और बुध ग्रह जो है आपका लाभ और धन का मालिक हो गए, शनि के साथ रहेगा और सूर्य भी चंद्रमा के साथ रहेगी, तो ये समय जो है आपके लिए थोड़ी दिक्कत कर सकता है। इस समय जो है आपका धन बहुत अधिक खर्च हो सकता है। तो ये था फरवरी माह का सिंह राशि का राशिफल। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें और उसको शेयर भी कर दें, ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, सभी जानकारी आपको विस्तार से दी जाएगी। धन्यवाद।